निर्मल की बहन रवीना उसके ससुराल होली का त्योहार मनाने आई थी। उसके हॉस्टल की छुट्टियों पर बहुत लंबे समय के बाद वह अपने दीदी और जीजू के साथ होली के त्योहार पर थी। अगले दिन होली थी। दोनों बहनें मिलकर घर की साज सज्जा और खान पान के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने के लिए सामान का इंतजाम करने लगी थी। दोनों आपस में गपशप करते हुए बोल रही थी, देखो दीदी, सब तैयारियां हो गई हैं। आज शाम को होलिका जलाई जाएगी, हम भी देखने जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, तेरे जीजू को आ जाने दे, उसके बाद सभी होलिका दहन देखने चलेंगे। शाम होने पर आकाश ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है और उन दोनों को होलिका दहन कार्यक्रम में लेकर जाता है। होलिका की आग की लपटें बहुत ऊंची उठ रही थी। आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। रात होने पर तीनों कार्यक्रम से वापस आ जाते हैं। अगली सुबह निर्मल सबसे पहले आकाश को जगाते हुए बोलती है, हैप्पी होली आकाश, ये होली तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की रंग भर दे। तुम्हें भी हैप्पी होली मेरी ओर से। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मेरी जिंदगी की खुशियों के रंग कभी सूखे नहीं पड़ेंगे। तभी वहां रवीना आकर उन दोनों की बातें सुन लेती है और हंसते हुए उन दोनों से बोलती है, क्या दीदी और जीजू, आप दोनों तो आपस में ही लगे हुए हैं, मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। आइए हमारी साली साहिबा, आपको तो हम स्पेशल विश करेंगे, आप हमसे बचकर जाओगे कहां। आज तो तुम्हें ऐसा रंग लगाऊंगा कि जिंदगी भर छुटा नहीं पाओगी। अच्छा जी, तो आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, तो देखते हैं कौन किसे कितना गहरा रंग लगाता है। जरा बच के रहना मुझसे, देख लो कहीं तुम्हारा चैलेंज तुम्हीं पे भारी ना पड़ जाए। डर गए क्या जीजू, लगता है आपके पास गहरा और पक्का रंग नहीं है मुझे लगाने के लिए, इसलिए आप डर रहे हैं मुझसे। ना 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 ना, ऐसी बात बिल्कुल मत सोचना, मुकाबला टक्कर का रहेगा। हाँ हाँ, हो जाए हो जाए। अरे बस भी करो, तुम दोनों सुबह हुई नहीं कि नोक झोंक चालू हो गई। पहले आप दोनों भगवान की पूजा करेंगे और फिर उन्हें रंग लगाएंगे। निर्मल इतना समझा कर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकाश, रवीना और निर्मल तीनों मिलकर भगवान कृष्ण की पूजा करके उन्हें रंग लगाते हैं। उसके बाद घर के बड़े से आंगन में होली खेलने का बहुत ही बढ़िया बंदोबस्त किया गया था, जहां पर वो तीनों पहुंचकर अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ होली खेलना शुरू करते हैं। रवीना अपने हाथों में गुलाल लिए आकाश की तरफ बढ़ ही रही थी, लेकिन रवीना की ये चाल उस पर ही भारी पड़ जाती है। आकाश रवीना के हाथों को पकड़कर उस पर बाल्टी से ढेर सारा रंग भरा पानी उड़ेल देता है, जिसकी वजह से रवीना पूरी तरह गीली हो जाती है। रवीना को इस बात पर थोड़ा गुस्सा आता है। वह अपनी नाक से कूड़ते हुए खुद से बोलती है, ओह ये क्या हो गया, कहां मैंने जीजू को चैलेंज किया था, कहां मैं खुद गीली होकर चली आई। मुझे कुछ करना पड़ेगा, अपनी नाक बचाने के लिए जीजू को पूरी तरह हराना होगा। सोच रवीना, जल्दी सोच। रवीना इतना सोचते हुए इधर उधर देखने लगती है। पास ही में कुछ लोग भांग के पकौड़े और भांग का शरबत पी रहे थे। रवीना उन दोनों के पास जाती है और बिना सोचे समझे भांग के पकोड़े और शरबत खा पी लेती है, जिस वजह से थोड़ी देर बाद उस पर खुद का काबू नहीं रहता है। वह नशे की हालत में इधर उधर भटकने लगती है और हंसते हुए आकाश के पास जाकर बोलती है, जीजू आप मेरे साथ होली खेलिए ना, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा है अब, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। अरे साली साहिबा, आपने अपना क्या हाल बना लिया है, आप तो मुझे हराने चली थी, खुद ही नशे में टल्ली हो गई। आकाश इतना बोल ही रहा होता है कि रवीना हंसते हुए उसे जोर से गले लगा लेती है और अचानक से रोते हुए बोलती है, अब ये नशे की हालत में मुझे उठाइए ना, मुझे आपके साथ डांस करना है जीजू, जीजू स्टेज पे चलिए ना प्लीज, जीजू मुझे आपके साथ डांस करना है। अरे रवीना, ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे छोड़ो, अभी तो तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो और बात कर रही हो डांस करने की। मैं तुम्हें थोड़ी देर चला देता हूँ ताकि तुम्हारा नशा उतर जाए।
इतना बोलकर आकाश उसे सहारा देते हुए उसके कमरे में ले जाकर चला देता है। आकाश दोबारा से सभी के साथ होली में मग्न हो जाता है। लेकिन इधर रवीना नशे की हालत में कमरे से बाहर निकल आती है। रवीना को बाहर निकलता हुआ देख उसके जीजा के मन में उसके प्रति नियत खराब हो जाती है और वो खुद से बोलता है, अरे मेरी साली तो इतनी सुंदर है, इसको अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। वैसे भी ये नशे की हालत में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना कहकर आकाश रवीना को लेकर एक बार दोबारा अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। आकाश और रवीना के ना दिखने पर निर्मल बोलती है, अरे अपनी रवीना नजर नहीं आ रही कहीं, पता नहीं कहां गई है। खुद से बात करने के बाद वो हर जगह अपनी बहन को ढूंढती है, लेकिन उसको वो कहीं भी दिखाई नहीं देती है, जिसके बाद अब वो लोगों से पूछने लगती है, आपने मेरी बहन रवीना को देखा क्या? मेरे पति आकाश भी नहीं मिल रहे हैं, हे भगवान पता नहीं कहां गए हैं दोनों। निर्मल यहां परेशान हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ आकाश अपनी साली के मजे ले रहा था। उसको वो कभी गले पे किस कर रहा था तो कभी उसका हाथ पकड़ रहा था। ये सब उसके एक पड़ोसी ने देख लिया और बिना कुछ कहे वो वहां से चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद निर्मल अपने पड़ोसी के पास जाती है और उससे एक बार और पूछती है, आपने मेरी बहन रवीना को देखा क्या? मेरे पति आकाश भी नहीं मिल रहे हैं। हाँ देखा ना, जाकर देखो उसके कमरे में किस हालत में पड़ी हुई है वो, बेचारी ने भांग खा ली थी, और आपके पति की हालत भी देख लेना। भांग खा ली थी? हाँ भाई, अगर तुमने देखा होता ना उसे नशे की हालत में, तो तुम भी कहती कि तुम्हारी बहन कितनी नशेड़ी है, और रही तुम्हारे पति की बात तो क्या ही बोलू आकाश के बारे में। मजाक छोड़ो अभी, लेकिन तब तो सो रही होगी, चलो चलो मैं जाती हूँ उसके पास। निर्मल उसके कमरे में जा ही रही होती है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर वापस आ जाती है, जहां कुछ पुलिस ऑफिसर उसके पड़ोसी से पूछताछ करते हैं। निर्मल उनके पास आकर बोलती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? देखिए इस घर में कोई रवीना नाम की लड़की रहती है। हाँ मेरी छोटी बहन है, लेकिन क्या हुआ साहब? देखिए आपके पड़ोस से हमें कॉल आया था कि यहाँ पर कोई आदमी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर साहब आप चलिए मेरे साथ। इतना कहकर वो पड़ोसी पुलिस और निर्मल को रवीना के कमरे में ले जाता है और सबूत के तौर पर वो वीडियो पुलिस को दे देता है और निर्मल से कहता है, बहन माफ करना, मैंने तुम्हारे पति की वीडियो बना ली, पर तुम्हारा पति तुम्हारी ही बहन के साथ गलत कर रहा था। किसी की बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो तो मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैंने पुलिस को भी बुलवा लिया। ये देख और सुनकर मानो निर्मल के होश हवास उड़ गए थे। बेचारी ने खुद के दिल पर पत्थर रखकर अपने ही पति आकाश को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब रवीना को भी अक्कल आ गई और उसने भी भांग पीना बंद कर दिया। दरअसल कुछ हफ्तों पहले नमन की शादी कशिश से हुई थी। नई बहू का ससुराल में पहला दिन था। मेहमानों की वजह से वह इतना ज्यादा खाती है, पेट ज्यादा भर जाता है, रात को उसको पेट में दर्द होने लगता है, तो पति को वो जगाती है। नमन, नमन उठो, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ, मुझे सोने दो, नींद आ रही है, बहुत थक गया हूँ। अजी मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद ज्यादा ही खा लिया था। सुबह माँ जी बोल ही रही थी घर में शौचालय नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे ऐसे बाहर जाकर करने की आदत नहीं है, किसी ने देख लिया तो। नमन उठकर कहता है, अरे यार तुम चलो, कोई नहीं देखेगा, मैं हूं ना, अब तुम्हें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। नमन के कहने पर पेड़ के पीछे जाकर शौच करने लगती है और नमन आगे खड़ा हो जाता है। ओहो कशिश तुम्हें कितनी देर लगेगी, रात का समय है, मुझे नींद आ रही है, जल्दी आओ। अजी थोड़ा रुकिए,
एक तो मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ, रात ऐसी है कि डर लग रहा है कोई कीड़ा काट कर ना जाए। कुछ देर बाद सोच करके दोनों सो जाते हैं। अगले दिन 6 बजे ही उसकी सास अनीता आकर कहती है, अरे बहू ऊर्जा आज चल झाड़ियों में सोच करने जाना है, फिर तुझे टाइम नहीं मिलेगा और सारे मर्द लोग बाहर आ जाते हैं तो अच्छा नहीं होगा। अरे माँ जी मैं कल रात को ही करके आई हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं करना, पर आप बाहर कैसे चली जाती हैं सोच करने, यह चीज तो पर्दे में होनी चाहिए। अरे तभी तो बोल रही हूँ कि बाहर चल, दिन निकल आया है तो गांव के लोग देखेंगे वरना। माँ जी ये कैसा गांव है जहाँ आप सब लोग बाहर सोच करने जाते हैं, इससे तो बहुत गंदगी फैल सकती है और इज्जत का भी सवाल है। माँ जी आप घर में सोच बनवा लीजिए, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। तभी ये बात से गुजरा हुआ सुरेश सुन लेता है, बहू बोल रही हो तुम, आज तो तुमने यह बात कह दी, दोबारा मत कहना। इस घर में क्या, इस गांव में भी कभी भी घर के अंदर शौच नहीं बनेगा। अरे जिस घर में पाठ पूजा होती है वहां गंदगी कैसे कर सकते हैं, और खाना भी तो कहते हैं यह सब शहर में चलता होगा यहाँ नहीं। पापा जी गंदगी क्यों फैलेगी, वो जमा थोड़ी होती है, होती है तो यह है कि कितने सारे लोग बाहर झाड़ियों में शौच करने जाते हैं, वहां मक्खी बैठती है, वह मक्खी न जाने कहां कहां और खानों पर भी बैठी होगी तो बीमारी होती है। बस बहू बहुत हो गया, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आगे कोई बहस नहीं होगी, शौच करने तो घर से बाहर ही जाना होगा। सुरेश ये बात कहकर चला जाता है। नमन इसमें कुछ नहीं कहता। हफ्ता गुजर जाता है। कशिश अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन कोई उसके मन को नहीं समझ रहा था। उसके लिए बहुत मुश्किल था बाहर सोच करना। इस बात से परेशान होकर वह अपनी फ्रेंड सुप्रिया को सब कुछ बता देती है। क्या तू इतनी परेशान है और मुझे बताया भी नहीं? अगर यही वाली बात है तो इसका एक सॉल्यूशन है, तू टेंट वाला शौचालय मंगा ले, वह इतना पोर्टेबल होता है कि तू कहीं भी खोलकर उसमें कंफर्टेबल बैठकर आराम से हल्की हो सकती है और तुझे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। अपने ससुराल वालों से ये बात छुपा लियो, ज्यादातर पहाड़ों पर यूज होता है। वाह यार ये तो बढ़िया आइडिया है, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर करके उसे मंगवा लेती हूँ। अगले दिन ही ससुराल में कशिश सबसे छुपाकर टेंट वाला शौचालय ऑर्डर करके मंगवा लेती है और जब वह आ जाता है तो उसे खोलकर कहती है, अरे वाह ये तो बिल्कुल सही है, अब कोई नहीं होगा तो छत पर जाकर शौच कर लूंगी। शाम को डिनर करने के बाद उसके पेट में दर्द होता है। आह, प्रेशर बन रहा है, चेक करती हूँ माँ जी पापा जी कहाँ है। कशिश तुम क्या बड़बड़ा रही हो? अब कुछ नहीं, मैं अभी आई। बिस्तर के नीचे से टेंट वाले शौचालय को चुपके से निकालकर वो सास ससुर की नजरों से निकलकर सीढ़ी से छत पर चली जाती है और टेंट वाले शौचालय का इस्तेमाल करती है। अरे वाह ये तो एकदम सही है, कोई देखेगा भी नहीं, ना मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अब तो रोज इसमें ही शौच करूंगी। टेंट वाले शौचालय का इस्तेमाल करके वह उसे उठाकर बिस्तर के नीचे वापस रख देती है। ऐसे ही समय गुजरता है, वह टेंट वाले शौचालय का इस्तेमाल करके खुश रहती है, पर एक दिन छत पर जाते हुए उसके साथ ससुर उसे देख लेते हैं, जहां टेंट वाले शौचालय को खोल रही थी। बहू ये टेंट कैसा है? हे भगवान बहू तूने ये क्या कर दिया, इस टेंट के अंदर तो शौचालय बना हुआ है,
तू घर में ही गंदगी कर रही थी, तूने सब अशुद्ध कर दिया। अगर आसपास के लोगों को यह बात पता चल गई तो हमारी कितनी थूथू होगी, भगवान हमसे नाराज होंगे वो अलग। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा जी, भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम बाहर जंगल में शौच करने जाओ, उससे पनपना वाली बीमारी तो उसकी जिम्मेदार खुद है। और अगर हम कहीं झाड़ियों में जाए तो बहुत खतरा है जंगली जानवर के आने का। नमन बेटा जल्दी ऊपर आ, देख अपनी पत्नी को, मैं समझा कर थक गया हूँ, तुम मेरी इतनी सी बात समझ में नहीं आती। पिता की आवाज सुन नमन आ जाता है और अनीता सुरेश अपने बेटे को सारी बात बता देते हैं। कशिश ये सब क्या है, मैंने तुम्हें कहा था ना एडजस्ट करो, हम सब भी तो है, माँ भी तो है। नमन अब बात की गंभीरता को समझते क्यों नहीं है, एक औरत बाहर खुले में शौच कैसे कर सकती है, कितना रिस्क है। माँ जी और पापा जी की पुरानी सोच है जो आप सब लेकर चल रहे हो, मैंने जंगली जानवर का भी जिक्र किया है, मैं ऐसे शौचालय नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने घर चली जाऊंगी, जब यहाँ शौचालय बन जाएगा तो ही वापस आऊंगी। ठीक है बहू तुम जाओ, लेकिन इस घर में शौचालय कभी नहीं बनेगा। ये बोलते ही कशिश अपने कमरे में जाकर बैग पैक करती है, वहीं दूसरी ओर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी सुरेश का पेट खराब होने लगता है। अचानक से मेरे पेट में गड़बड़ क्यों हो रही है? अच्छा बहुत चटपटी टिक्की खा ली थी, उसी का असर है। बाप रे बाप, अभी जाना होगा बाहर। अजी क्या हुआ आपको, पेट क्यों पकड़ लिया? अच्छा टिक्की खाई थी वही ना? हाँ हाँ अभी मैं जाता हूँ, जरा हल्का कर लूँ खुद को। सुरेश घर के बाहर झाड़ियों में शौच करने जाता है, वही कशिश भी उसे रास्ते से जा रही होती है। शौच करने के बाद जंगली भेड़िया उसे परेशान करने लगता है, बहुत बचने की कोशिश करने पर भी भेड़िये दो पंजे मारकर भाग जाता है। उसकी आवाज सुन कशिश वहाँ पहुँच जाती है और अपने पति को फोन करके तुरंत ससुर को अस्पताल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। सुरेश को होश आ जाता है। आइए मिल लीजिए, वहाँ तो शुक्र है यह बच गए, भेड़िये ने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन इतने समय से आप वहाँ क्या कर रहे थे? डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह शौचालय करने गया था, लेकिन आज भारी पड़ गया। ओहो, ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? हर गांव में जब शौचालय बन गया है और आप अपने घर में नहीं बनवाया, गलत काम है, इससे बीमारियां भी फैलती है, डायरिया, इन्फेक्शन और न जाने कितने प्रकार की बीमारी होती है। आपके घर में तो दो औरतें हैं, फिर भी। पापा जी, मैं आपको कह रही थी घर में शौचालय बनवा लीजिए, वरना आज ऐसा नहीं होता। बहू मुझे समझ आ गया है और अब मैं शौचालय बनवा लूंगा। इस तरह अपनी गलती से सीखकर सुरेश घर में शौचालय बनवा लेता है, जिसके बाद उनके परिवार और नई बहू भी सुख सुविधा से रहते हैं और बाकी लोग भी अपने घर में शौचालय बनवाकर खुशी से रहते हैं।